वेलकम दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल इन्वेस्टिंग बार। तो आज मैं एक स्पेशल ऑन डिमांड वीडियो के साथ आया हूँ, जीएनएफसी की वीडियो लेके आपके पास। और इसमें हम जीएनएफसी का कंप्लीट टेक्निकल प्लस फंडामेंटल टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे, और आपको इससे ये पता चलेगा आपको जीएनएफसी अभी बाय करना है या नहीं करना। ओवरऑल जीएनएफसी जो एक बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, ये डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट है इसके पास, और अंडर वैल्यूड कंपनी है जो कि आप देख सकते हो उसके फंडामेंटल्स में। बट फिर भी ये गिर क्यों रही है, ये एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है आप सबके सामने स्क्रीन पे, और इसलिए आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जीएनएफसी का कंप्लीट। तो चलिए पहले फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू करते हैं। और मैंने कंप्लीट एनालिसिस के लिए इसकी लास्ट क्वार्टर की पूरी कॉन कॉल रिपोर्ट पढ़ी, और उस कॉन कॉल रिपोर्ट से ही आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि ये स्टॉक क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, और आगे की क्या उम्मीद है, स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये इसकी लास्ट क्वार्टर की कॉन कॉल रिपोर्ट आई थी पूरी, सभी कंपनीज की कॉन कॉल आपको बीएससी की साइट पे मिल जाएगी। तो मैंने इसे डाउनलोड करके इसे पूरा पढ़ा, तो मेजरली बस जो मैं दिखाने के लिए आपको इसे डाउनलोड करा है वो एक है कि स्टॉक क्यों गिरा, और आप ये भी टेक्निकल चार्ट पे दिख जाएगा आपको आने जो भी अब हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। तो चार पॉइंट्स इसमें इन्होंने मेंशन करे हैं जिसकी वजह से इनका स्टॉक गिर रहा है एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के बाद। तो एक तो केमिकल बायोन्सी अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने लिखा है, केमिकल्स कुछ प्रॉब्लम चल रही है। एक इनका सीरियस बारूद कॉम्प्लेक्स जो इनकी बारूद फैक्ट्री है ये वाली, इसमें मैं दिखाई हुई है ये वाली इनकी फैक्ट्री है, एक बारूच प्लांट। इस फैक्ट्री में आउटेज हुआ था जुलाई एंड में, उसकी वजह से इनकी फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, उसकी वजह से इनकी सेल्स जो है वो डाउन रही लास्ट क्वार्टर की, सितंबर क्वार्टर की, जुलाई एंड में हुआ था वो। कुछ वेज सेटलमेंट का दिक्कत चल रही है जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। और जो इनपुट कॉस्ट है इसकी, वो जो इनकी कॉस्टिंग है वो टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन में बहुत इफेक्ट आया है। तो ये चार मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से जीएनएफसी का जो स्टॉक है वो गिर रहा है। तो अब इन चार रीजंस का जो इफेक्ट है आपको क्वार्टर रिजल्ट्स में दिखाई देगा। सितंबर क्वार्टर के जो सेल्स रही वो जून क्वार्टर से ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं, 100 करोड़ के आसपास का फर्क रहा, और मार्जिन में आप देखिए बहुत ज्यादा फर्क रहा। 28% के प्रॉफिट पे जो काम करती थी, ये 12% के प्रॉफिट पे इसने काम करा लास्ट पूरे क्वार्टर में। तो एक तो इनके फर्टिलाइजर्स की इम्पैक्ट की वजह से सेल्स डाउन हुई, और जो इनपुट कॉस्ट राइज कर रही है उससे 12% के मार्जिन पे इन्होंने काम करा, जिसकी वजह से पूरे क्वार्टर जो है स्टॉक बहुत अच्छा तरह से गिरा है और मेजर सपोर्ट के आसपास आके खड़ा हो गया है, वो चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा। बट एक बहुत अच्छी बात है जो हमें रिजल्ट्स के अंदर दिखाई दी वो ये कि ईयर ऑन ईयर ये ग्रो कर रही है कंपनी। आप ये देखिए सितंबर 2021 में 2096 करोड़ की, 2096 करोड़ की इसकी सेल्स थी ओवरऑल सेल्स, और इस बार सब कुछ दिक्कतें होने के बाद भी 2587 करोड़ की, 2587 करोड़ की इस बार इसकी सेल रही। ओवरऑल 23.43% का इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रहा, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। मार्जिन्स इम्प्रूव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट कॉस्ट भी कंट्रोल में आ जाएगी, हो सकता है इस बार प्लांट भी अच्छा परफॉर्म करे, कोई दिक्कत ना आए, सब कुछ अच्छा रहे, तो इस बार की सेल्स भी अच्छी आ सकती है। तो फंडामेंटली वाइज तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक प्रॉब्लम और है जो जिस चीज को एफआईआईज और डीआईआईज ने भी देखा होगा, उसकी वजह से एफआईआईज ने और डीआईआईज ने अपने स्टेक्स को डाउन करा लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। बट कोई दिक्कत नहीं है, 22% की होल्डिंग्स भी कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है, कि एफआईआईज ने आज भी इतना मेजर सेल ऑफ करने के बाद भी 22% की होल्डिंग कंपनी के अंदर रखी हुई है, और डीआईआईज ने भी ऑलमोस्ट 5% की होल्डिंग रखी हुई है। अगर रिजल्ट अच्छे आने होंगे तो ये होल्डिंग्स बढ़ जाएंगी, तो इस चीज से तो मैं टेंशन फ्री हूँ। तो टेक्निकली अब देखेंगे, फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन्स का थोड़ा बहुत इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है, तो वो कवर कर लेगी कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम आप इसे टेक्निकली देखो, तो टेक्निकली ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस था जिसका इसने मार्च में बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था, और हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था जब इसके रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आए थे।
और फिर उसके बाद इनका जुलाई एंड के आसपास जाके कुछ इशू रहा, मार्जिन्स का बहुत इशू रहा, तो इन लास्ट दो तीन क्वार्टर से कंपनी ने बिल्कुल भी कुछ परफॉर्म नहीं करा, बट फिर भी कंपनी अपने एक जोन में घूम रही है, तो और ये वेट कर रही है कि रिजल्ट्स बढ़िया आए, कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, तो ये वापस अप ट्रेंड में आ जाए। फिलहाल आपको टेक्निकली क्या करना है इसके अंदर, टेक्निकली आपको दिखाई दे रहा होगा एक सिमेट्रिकल टाइप का ट्रायंगल पैटर्न भी दिखाई देगा और एक आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी दिखाई देगा, अगर आप ब्लैक लाइन को और इस ऊपर वाली ऑरेंज लाइन को कंसिडर करोगे। तो मैंने सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया है, तो आप ये देखिए एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी बहुत टाइम से, 24 अगस्त से लेके पिछले साल के अगस्त से लेके अभी तक एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, जो इस बार के रिजल्ट्स आने में टूट गई, रिजल्ट्स बहुत खराब आए, तो उसकी वजह से ट्रेंड लाइन टूट गई और बहुत अच्छी एक वॉल्यूम के साथ टूटी। तो ये एक मेजर ब्रेक पॉइंट है कंपनी का, जो अगर जब तक ये पॉइंट इसका ये ऊपर क्रॉस नहीं करती, इसके ऊपर नहीं जाएगी, तब तक मैं इसे अप ट्रेंड में नहीं मानूंगा, तब तक ये मेरे लिए डाउन ट्रेंड में ही रहेगी कंपनी। और आप ये देख सकते हो हायर हाई, फिर उसके बाद लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, और अब देखते हैं इसका लोअर हाई कहाँ बनता है, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहीं भी बन सकता है। तो अगर स्विंग करना है आपको स्विंग के लिए, तो ये कंपनी फिर भी ठीक दिखाई दे रही है, हो सकता है ये अपना वापस से 600 625 का लेवल टच करने की कोशिश करे, बट मैं रिस्क की प्ले नहीं करता और मैं डायरेक्शन के अपोजिट कभी प्ले नहीं करता, ना कभी सजेस्ट करता कि आप डायरेक्शन के अपोजिट प्ले करो, बहुत कम बहुत श्योर शॉट रहता है तो प्ले करता हूँ, बट फिलहाल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप डायरेक्शन के अपोजिट प्ले करो। और कंपनी बहुत अच्छी है, अगर लॉन्ग टाइम का नजरिया है तो होल्डिंग्स होल्ड करके रखो, इसका जो मेजर सपोर्ट आने वाला है जहाँ पे कंपनी आपको एक्यूमुलेट करनी चाहिए वो 520 540, फिर उसके बाद एक 480 का जोन आएगा, ये वाला जो जोन है ये 480 490 का, तो ये जो पूरा जोन है ये इसका डिमांड जोन है बढ़िया, ये जोन जो है इसका ये पूरा डिमांड जोन आने वाला है इसका, इस डिमांड जोन पे आप वापस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, अंडर वैल्यूड कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, और कुछ थोड़ा सा मार्जिन का प्रेशर चल रहा है इसकी वजह से कंपनी का स्टॉक गिर रहा है, ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है, अप ट्रेंड में जब तक नहीं आएगी तब तक इस कंपनी के स्टॉक को बाय मत करिए, ये मैं इस वीडियो के अंदर साफ साफ बोलता हूँ और अपने सभी फॉलोअर्स को, अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली को बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एसएल बहुत छोटा होगा, इसलिए मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस डिमांड जोन में आप बाय कर सकते हैं, अंटिल एंड अनलेस दिस डिमांड जोन, इस कंपनी को आप मत बाय करिए जब तक ये इसकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन नहीं टूट जाती, स्टॉक ने कहीं नहीं जा रहा, यही स्टॉक है, स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ आएगा तो मेरा एसएल बढ़ जाएगा और फिर रह ही कितना गया ऑल टाइम हाई से ये और वो, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट होकर स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है, ब्लू स्काई जोन आ जाएगा जिसे हम ब्लू स्काई जोन बोलते हैं, और कंपनी का स्टॉक जो है रॉकेट बन सकता है जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं दूसरी कंपनीज में। तो ओवरऑल इसका टेक्निकल फंडा एनालिसिस यही बोलता है कि अभी आप कंपनी को मत छेड़िए, अभी जैसा चल रहा है चलते रहिए और किसी और दूसरे स्टॉक को टारगेट करिए, डिमांड जोन जब आएगा तब बाय करिए, फिलहाल वेट एंड वॉच करिए जीएनएफसी के अंदर। तो ये कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस है जीएनएफसी का मेरी साइड से, और अगर आपको कोई और स्टॉक भी एनालिसिस कराना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस, डू फॉलो एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।